डायरेक्ट हैं तो डायरेक्ट हुई प्रत्यक्ष रूप से और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, जो सामने है वो डायरेक्ट हो गया और जो सामने नहीं है, देखो शुद्ध भाषा तो अगर ये पहचान हो गए, मान लो कि कोई व्यक्ति है आपके सामने, उससे बात कर रहे हो तो वो डायरेक्ट बात हो गई, और व्यक्ति तो वो है नहीं, उसके विषय में बात करी जा रही है तो वो इनडायरेक्ट बात हो गई। ठीक है ना, वो व्यक्ति तो है नहीं, उसके विषय में तुम बता रहे हो तो वो आपकी इनडायरेक्ट होगी अप्रत्यक्ष रूप से। तो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है और वो भी इंपरेटिव वाक्य। अब बात आती है कि इंपरेटिव वाक्य कौन से होते हैं, हमें पहले इंपरेटिव वाक्य के बारे में सीखना है। ठीक है ना, तो इंपरेटिव सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं आपके, उसमें सब्जेक्ट यू छुपा होता। ठीक है ना, मतलब सब्जेक्ट प्रत्येक जो इंपरेटिव टेंस होता है आपका, जितने भी इंपरेटिव सेंटेंस आपके, सब में सब्जेक्ट यू मिलेगा और वो लिखा हुआ नहीं मिलने का, वाक्य वर्ब से आरंभ होते हैं। वाक्य जो है वर्ब से आरंभ होते, तो जो वाक्य वर्ब से आरंभ होते हैं, मान लो कि कौन सा आपका टेंस हुआ, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, और प्रत्येक टेंस जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इसका जो प्रत्येक टेंस होता है, प्रत्येक टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। नमस्ते भाई, देखो अगर आप लोगों ने निगेटिव वाक्य देखे होंगे इसके, तो उसमें सब में क्या आएगा, डू नॉट, डोंट या डू नॉट आएगा, तो डू नॉट क्या यू के साथ आप डू नॉट का प्रयोग करते हो, तो टेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ नहीं हुआ। अब हम जब इसका डायरेक्ट इंडेफिनिट बनाते वो देखते हैं उसमें क्या करते हैं। ठीक है ना, इंपरेटिव सेंटेंस में सैड के स्थान पर, सैड के स्थान पर भाव अनुसार। ठीक है ना, इंपरेटिव सेंटेंस में सैड के स्थान पर भाव अनुसार, रिक्वेस्टेड ऑर्डर्ड एडवाइज आर्ट। ठीक है ना, आदि शब्दों का प्रयोग करके, इंपरेटिव सेंटेंस में जो सेट के स्थान पर भावानुसार रिक्वेस्टेड ऑर्डर्ड एडवाइज अर्ग, रिक्वेस्टेड प्रार्थना, ऑर्डर्ड आदेश, एडवाइज सलाह, और अर्ग जो होगा वो उपदेश के लिए आता है। किस चीज के लिए आता है, उपदेश के लिए। आदि शब्दों का प्रयोग करके, कंजेक्शन टू लगाते, इसमें कंजेक्शन क्या लगाते हैं, हम टू लगाते हैं कंजेक्शन। ठीक है ना, जिसे उससे पहले आपने दैट कंजेक्शन लगाया है, फिर आपने इफ या वेदर लगाया कंजेक्शन, फिर आपने वेयर व्हाई व्हेन हू हाउ कंजेक्शन लगाया, तो उसी प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस में जो कंजेक्शन, ये सारे कंजेक्शन ना लग के
केवल टू कंजक्शन का प्रयोग होता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब पहले टेंस वाला ये है, ही सेड कोमा इनवर्टेड कोमा प्लीज गिव मी ए बुक फुलस्टॉप कोमा क्लोज, कृपया मुझे एक पुस्तक दो। तो क्या करेंगे इसमें हम, ही रिक्वेस्टेड टू गिव मी, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट को उठाकर जब मी के स्थान पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिम, क्योंकि सब्जेक्ट हो रहा है, इसको उठाकर हम कहां ले जा रहे हैं, मी के स्थान पर, तो हिम हो जाएगा, हिम आ बुक। बात क्लियर हो गई आप लोग। सेकंड, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कॉमा इनवर्टेड कॉमा, मतलब अध्यापक ने छात्रों से कहा, क्या कहा, स्टैंड अप ऑन देयर सीट्स, ठीक है ना, अपनी सीट पर या कुर्सी ऊपर खड़े हो जाओ। तो अध्यापक तो आदेश करेगा, अध्यापक तो आदेश करता है ना अध्यापक, तो इसने आदेश किया है, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू स्टैंड्स स्टैंड अप ऑन देयर सीट्स, कोई प्रॉब्लम यहां तक, थर्ड है ही सेड टू हिज यंगर ब्रदर कोमा इनवर्टेड कोमा, ठीक है ना, कोमा इनवर्टेड कोमा, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, एग्जामी नेशंस आर नियर, फ्रिस्ट ऑफ कोमा क्लोज, वर्क हार्ड एग्जामिनेशंस आर नियर। उसने अपने छोटे भाई से कहा कठिन परिश्रम करो, परीक्षाएं निकट हैं, तो क्या करा है, सलाह दी है, एडवाइज हिज यंगर ब्रदर टू वर्क हार्ड, एंड से जोड़ सकते हैं सामान, तो ई छोटा बन जाएगा, एग्जामिनेशंस बहुवचन वर्क नियर, ठीक है ना, यहां तो बात समझ आ गया आपको। फोर्थ आता आपका द संत सेड
कॉमा इनवर्ट कॉमा बी हैप्पी एंड रिमेंबर और पुलिसो कॉमा क्लो। तो संत ने कहा खुश रहो और ईश्वर को याद करो। तो द संत अर्ड टू बी हैप्पी एंड रिमेंबर गॉड। तो इस तरह से आपके ये इंपरेटिव वाक्य हुए, ठीक है ना। तो इनको बार बार जो है देखो समझो और समझने के बाद ही कुछ पल्ले पड़ेगा और शेयर अवश्य करो ताकि गरीब बच्चे जो है इसका लाभ उठा सके, ठीक है ना। आप लोग शेयर करोगे तो गरीब बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे जिन्हें मौका नहीं मिल पा रहा तो उन्हें इसका फायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उनकी हेल्प करोगे तो आपका भी भला होगा।